TSM Entity भी push in करते हुए, ये एक fight बहुत मजे आने वाले है। Evil Eye पीछे से fight लेते हुए, Bullshark के ऊपर charging करते हुए, Bullshark यहाँ पे freedom करना चाहेंगे, but यहाँ पे Bullshark ने knock कर दिया Z-God को, but ज्यादा मौका नहीं देंगे, but यहाँ पे opening खुलती हुई TSM Entity के नियो को Evil Eye ने knock कर दिया, यहाँ पे आई नहीं है, अगर चाहे तो शायद यहाँ पे TSM Entity के ऊपर भावी हो सकती है। Meanwhile यहाँ पे Clutch God को revive मिलता हुआ, I guess Clutch God ने Z-God को rev दे दिया, Jonathan को instantly backup के लिए आना पड़ेगा। Team INES push in नहीं कर रही है, they're respecting their opponent's TSM Entity, और यहाँ पे जाता हुआ क्लच कॉर्ड के द्वारा काफी ज्यादा डैमेज हुआ है काप्शी को। जोनाथन पीछे से भी शॉट दे रहे, काप्शी यहाँ पे हील अप कर रहे, इविल आई भी यहाँ पे हील अप कर रहे, क्लच कॉर्ड यहाँ पे बाहर निकलेंगे, पॉड आउट कर चुके, बट यहाँ पे शॉट जा रहे पीछे से, बैड रिप का बेहतरीन कवर यहाँ पे स्ट्रेट आउट करते हुए, बट इविल आई ने यहाँ पे क्लच कॉर्ड को नॉक कर दिया। अभी देखना पड़ेगा, जी गॉड अकेले बचे, पीछे से जोनाथन है, जोनाथन को जल्दी से फाइट में एंगेज करना पड़ेगा, बट काप्शी को जोनाथन ने पीछे से नॉक किया, जोनाथन डूइंग द वंडर्स फ्रॉम बिहाइंड, जी गॉड इंस्टेंटली हील अप कर चुके हैं, वापस से फाइट में री एंगेज करना चाहेंगे, बट क्लच गॉड को रिवाइव करना बहुत ज्यादा क्रूशियल बनता है, बट उससे पहले यहाँ पे टीम INES के साथ वो फाइट लेना चाहेंगे। जी गॉड ने अपना 4 times पॉपफुल देयर दी है, फायर लेते हुए इविल आई को नॉक कर देंगे, और जी गॉड यहाँ पे फर्स्ट एड लगाएंगे, ये एक अच्छा खासा मौका है यहाँ पे जोनाथन के पास क्वेश्चन करने का, स्नो मोबाइल के सहारे आएगा इस क्वेश्चन करना चाहेंगे, यहाँ पे जोन के काफी ज्यादा बाहर है, जी गॉड बहुत लो एचपी पे है, और यहाँ पे फर्स्ट एड लगाएंगे, क्लच गॉड को रिवाइव क्या कर पाएंगे, नहीं, जी गॉड को यहाँ पे अपनी चूहे वाली गाड़ी के साथ आगे बढ़ते हुए जाना पड़ेगा, और चौनी का भी एक बहुत अच्छा डिसीजन, तो टीम TSM Entity डिसएंगेजिंग फ्रॉम व्हाट कुड हैव बीन अ ह्यूज ब्लंडर। इन द मीनवाइल जोनाथन वहां पे नॉकडाउन हो गए थे फ्रॉम द ब्लू जोन, और INES की साइड से बैड ड्राइव अभी भी जिंदा बचे, जी गॉड किसी तरह बच के निकलने में सक्षम रहते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट, TSM ने चार्जिंग किया, सो सोच के दैट दे विल बी द वंस कमिंग आउट ऑन टॉप, टचाला को साउंड क्यूज आ गए थे व्हीकल के, तो जनमाना की टीम यहाँ पे नेट करती हुई, TSM INES दोनों में से कोई भी वो फाइट जीता हो, जो MVP रहेंगे उस एक सिचुएशन के, दैट्स गोना बी Bullshark डेफिनेटली, बट आई थिंक सेकेंड वाला जो अगर नॉक फिनिश कर देते तो शायद मैं बोलता, बट यहाँ पे अभी भी खतरा टला नहीं है TSM Entity के, Z-God के लिए काफी ओपन कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं, और शान मारा के 3 players उनके ऊपर चढ़ने वाले, Z-God के पास पेरिल जरूर है, डैमेज काफी अच्छा किया है, बट देन अगेन थोड़ा सा यहाँ पे यू नो गलती हो गई, और मैक्सकाश को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा, अभी जोन के अंदर भी प्रवेश करना पड़ेगा, हीलिंग्स कुछ भी नहीं है, मैक्सकाश को हैज टू गो ऑल इन, बट यहाँ पे ऑन के 20 ने यहाँ पे मैक्सकाश को फिनिश कर दिया, और आई थिंक रॉक्स वाज द वन जिन्होंने मैक्सकाश को फिनिश कर दिया, डूड को वहाँ पे ऑन के 420 ने फिनिश करा, मीनवाइल 413 यहाँ पे नॉक होकर पड़े, टीम ऑरेंज रॉक इस चीज का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे, ऑन के मैथ्यू और 20 अभी भी जिंदा है, यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए ऑरेंज रॉक के वीरू ने यहाँ पे मैथ्यू को नॉक किया, बट 20 का काउंटर ट्रेड नॉक आता हुआ वीरू को नॉकआउट कर चुके हैं यहाँ पे, बट टीम ऑरेंज रॉक somehow will manage to wipe out टीम ऑनिक, और इसी के साथ यहाँ पे टीम गॉडल की फाइट टीम तमिलास के साथ हो सकती है, एग्जिस्टेंस का ग्रोजा के सारे कैरी को नॉकआउट करते हुए स्मोक यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे लूट करना चाहेंगे यूटिलिटीज और फर्स्ट एड जरूर उठाना चाहेंगे, स्मोकी ने यहाँ पे स्ट्राइकर का जो किल है वो कंफर्म कर दिया, एग्जिस्टेंस यहाँ पे जोन के बाहर लॉकआउट हो चुके हैं, और उनको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपने टीममेट के पास जाने के लिए, देखते हैं यहाँ पे जा पाएंगे या नहीं। मीनवाइल फ्रैंकी ने वहां पे दलजीत को फिनिश कर दिया, प्ले जोन से यहाँ पे मर्वी नॉकआउट होकर फिनिश हो चुके हैं, तो अभी टीम आगे 3 teams ही बची है, दैट इज टीम Fnatic, टीम जानमारा और टीम गॉडल, सो वी आर हेडिंग आउट मे बी फॉर अ टीम Fnatic चिकन डिनर यहाँ पे जॉइन। That is going to be really impressive, especially इस stage में जहाँ पे Fnatic के लिए बहुत important होगा to build their momentum, क्योंकि ये कल भी खेलने वाले। But in the meanwhile, Godlike की side से Gil ने काफी अच्छे से shots fire करे था, Fnatic के एक player को knockdown किया था, Frankie थे, was taken down, Jhen Mara के जो players हैं वो moving करते हुए, and Sony once again stepping up for his team, Scout को यहाँ पे नीचे गिराते हुए knockdown करेंगे, but finish आने में time लगेगा, Scout की position जो है वो उनको थोड़ा protected रखेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे Jhen Mara के players finish करने के लिए जाते हैं तो Fnatic उनके ऊपर क्रॉस फायर में उनको फिनिश ऑफ कर सकती है। पीछे से अगर बात करें तो Godlike की टीम जो है उनका भी एक अलग ही प्रेशर रहेगा, क्योंकि दिस नाउ इज अ डेथ ट्रायंगल बेसिकली, ओवेस का फिर से एक परफेक्ट नेड आता हुआ, जैन मारा के टचालों को नॉक ऑफ करेंगे, एंड ही इज गोना गेट सॉन हिम डाउन एज वेल विद दैट उजी। अब जैन मारा के लिए दिक्कत है, पूरी टेबल जो है वो एक 180 मार चुकी है, एक्सट्रीम अकेले बचे हैं, ओवेस वंस अगेन नेडिंग, आई थिंक इनकी आज बिल्कुल ऑन पॉइंट चल रही है, एंड यस द फिनिश विद द नेड।
Yes, और यहाँ पे इनफैक्ट ओवेस भी एज एन आईजीएल टाइम एंड अगेन स्टेप अप कर रहे, किल्स भी निकाल रहे फनाटिक के लिए, जो वो बैकबोन का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं और ऑन द फ्रंट लीड कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो इवन आज ओवरऑल भी अगर किल्स की बात करें तो फनाटिक ओवेस या छा रहे. तो अभी देखते हैं, ओवेस यहाँ पे स्काउट को बचा चुके हैं, यहाँ पे रेज मिल चुका है, स्काउट इज बैक ऑन 75% एचपी, बूस्टर्स लगा देंगे टीम फनाटिक के. ओवेस ने यहाँ पे शान मारा के एक्सट्रीम का भी जो किल है वो कन्फर्म कर दिया है. अभी finally it's a fight going to be between two you know giants, यहाँ पे team Godel versus team Fnatic, 3v2 का situation है. Scout यहाँ पे smokes डाल रहे हैं और smokes डाल के यहाँ पे aggressive जाना चाहेंगे. Meanwhile देखते हैं Fnatic के scout यहाँ पे क्या कमाल दिखा पाते हैं. Smokey Fnatic के Ash और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा मुठभेड़ हो सकता है. ओवेस का यहाँ पे नेड जाता हुआ नजर आएगा. अभी देखते हैं और फनाटिक के स्काउट यहाँ पे करीब जाते हुए, यहाँ पे उंगली है उनके हाथ पे, एक बहुत ही अच्छा डेडली क्लोज रेंज वेपन है. स्मोकी को काफी ज्यादा डैमेज दे चुके हैं स्काउट और मोलोटॉव फेंकना चाहेंगे, बट ओवेस यहाँ पे अच्छा खासा एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट एश को यहाँ पे गिल नॉक करेंगे. बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे एंटिसिपेट नहीं किया था. एश और ओवेस भी नॉकआउट हो चुके हैं और Godel यहाँ पे चार्जिंग करती हुई और Godel यहाँ पे सक्सेसफुली आई गेस फिनिश हो जाएगी स्काउट विद दैट फाइनल किल. एंड यस, वी थॉट फॉर अ सेकंड कि शायद Godel ने क्लच कर दिया, बट नो, स्काउट डिड नॉट गिव एनी चांस. स्काउट टेकिंग